खुल गया खुल गया। लाइफ केयर फार्मेसी जन सेवार्थ मेडिकल पॉइंट, सभी प्रकार की दवाइयों पर विशेष छूट। खुलने का समय प्रातः 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक। हमारा पता मोनार होटल के बराबर में बाईपास रोड फिरोजाबाद क्लब के ठीक सामने। जनपद फिरोजाबाद में ठंड के प्रकोप को देखते हुए न्यू जनता फाउंडेशन द्वारा मोहल्ला हुसैनी में एक 20 दिवसीय कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें गरीब असहाय लोगों को कॉफी कंबल मुफलर देने का काम किया जाएगा। यह प्रोग्राम 31 जनवरी तक चलेगा। मुख्य अतिथि अलकार चौधरी ने बताया कि सर्दी को देखते हुए 20 दिन का कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें गरीब असहाय लोगों को देखकर उन्हें कंबल देने का काम किया जाएगा। साथ ही शहर के जगहों पर जा जाकर देखकर लोगों को कंबल वितरण किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। मैं जनता फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ मिस्टर नाजिम अली। ये सब लोग आए, इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोग्राम 21 दिन तक चलेगा लगातार, और अल्लाह ने चाहा सब अच्छा काम होगा। किस प्रकार के किस चीज़ का कार्यक्रम? ये न्यू जनता फाउंडेशन है, ये सर्दी को देख के ये प्रोग्राम रखा गया है। क्या क्या वितरण किया जाएगा इसमें? इसमें कंबल कॉफी रेगुलर चलेगी, मफलर बटेंगे, और बीच बीच में कभी खिचड़ी वगैरह का प्रोग्राम जो भी होगा वो सब प्रोग्राम करे जाएंगे इसी कैंप पर लेकर। देखिए, न्यू जनता फाउंडेशन द्वारा आज हुसैनी मोहल्ले के चौराहे पर एक 20 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ये कार्यक्रम ठिठुरते मौसम को देखते हुए, जो आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए रखा गया है। 20 दिन लगातार यहाँ से इस शिविर से लगातार कॉफ़ी गरम और कंबल का प्रोग्राम यहाँ से लगातार 20 दिन तक चलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो गरीब असहाय लोग होते हैं। ये सोसाइटी ने बहुत अच्छी एक पहल की है, जो 20 दिन लगातार इस कार्यक्रम को गरीब और असहाय लोगों के लिए चला रहे हैं। इसी कैंप के द्वारा या कहीं डोर टू डोर जाके भी कंबल वितरित किए जाएंगे? देखिए, सोसाइटी द्वारा इस कैंप में भी और जनपद फिरोजाबाद के हर जगह पर जहाँ पर भी गरीब और असहाय लोग मौजूद हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हर जगह उन लोगों तक पहुँचा जाए जो इस काबिल हैं, जहाँ तक उनको ज़रूरत है इन चीज़ों की।